दोस्तों आज हम आपको गौड़ बाबा के बारे में बताएंगे, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि गौड़ बाबा के बारे में बताओ और उनके साथ ही चमत्कार भी दिखाओ। तो हम आपको बता दें कि गौड़ कोई जाति नहीं है, इसमें आपको राजगौड़, खरगौड़ और गौड़ तीन प्रकार के देवता मिलते हैं, जिसमें राजगौड़ का मतलब है राजपुत्र जो कि शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और गौड़ का मतलब है जो कि विभिन्न उनके पास पद रहते हैं जो उनके बड़े बुजुर्गों को दिए जाते हैं, और जो खरगौड़ हैं वो उनके सेनापति या नौकरों में उनकी गिनती की जाती है। और हम आपको बता दें कि राजगौड़ जहाँ पर भी होते हैं उनके पास ही खरगौड़ इत्यादि सभी देवता मिल जाते हैं। इन गौड़ों के इतिहास के बारे में विभिन्न लोक देवताओं के अलग अलग इतिहास हैं, जिनकी कहानियां तो उपलब्ध नहीं हैं, पर उनके चमत्कारों के कारण ही उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि हर जगह हर गांव में अलग अलग गौड़ देवता हैं, और राजगौड़ और खरगौड़ तीनों प्रकार के देवताओं की पूजा की जाती है, जो कि विभिन्न जैसे व्यक्तियों की तरह ही अलग हैं, जिसमें से कुछ लोक देवता ही उनको हर जगह पूजा जाता है, जिसमें कुछ ही ऐसे लोक देवता हैं राजगौड़ खरगौड़ों में से जिन्हें हर गांव में पूजा जाता है, बाकी तो उसी गांव में पूजा जाता है, और वह वहां पर विभिन्न प्रकार के चमत्कार करते हैं, और उनके बारे में वहीं पर विभिन्न कहानियां रहती हैं जो कि उनके बारे में रहती हैं। गौड़ बाबाओं का इतिहास भी बहुत ही शक्तिशाली रहा है, और आज भी वो अपने चमत्कारों के कारण ही पूजे जाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति पर राजगौड़, गौड़ या खरगौड़ की सवारी आने लगे तो उसका मांस मदरा और विभिन्न चीज़ें बंद हो जाती हैं, साथ ही यदि वह इस प्रकार की क्रियाओं में लिप्त होता है तो उसके लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिलती कि कोई उसको शरण दे सके, क्योंकि उनका प्रकोप बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए उन्हें संभालने के लिए केवल हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ ही हैं जो कि उनके प्रकोप को संभाल सकते हैं, और कारसदेव बाबा भी उनको अपनी शक्तियों के द्वारा मना लेते हैं, जो भी बड़े लोक देवता हैं वो भी उनको मना लेते हैं। साथ ही आपको बता दें कि गौड़ देवताओं के बारे में विभिन्न कहानियां हैं, क्योंकि वह अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के चमत्कार करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ऑल कर देना, ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हो सकें और हम आपको विभिन्न लोक देवताओं की कहानियाँ दे सकें।